आज हम बनाने जा रहे हैं झटपट बनने वाला मिर्च का अचार, वो भी बिना धूप के, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल मार्केट में इस तरह की हरी मिर्च खूब आने लगी हैं और इनका जो अचार रहता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ इस अचार को शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मैंने ली है ये 250 ग्राम हरी मिर्ची, 1 चम्मच सौंफ, ये मैंने पिसी हुई सौंफ ले ली है क्योंकि मैंने अभी घर पे पीसी थी, 1 चम्मच ये पीली सरसों, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच ये मैंने मेथी दाना लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च क्योंकि इसमें ये फीकी फीकी रहती, ज़्यादा तीखी नहीं होती, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें अमचूर। तो बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसकी फ्लेम कर दी है लो, और इसमें मैं ये मेथी दाना, जीरा, पीली सरसों और अजवाइन, इनको 1 मिनट थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, जिससे कि इसमें थोड़ा भी नमी होगी वो हट जाएगी, और अगर हमारे अचार में जरा सी भी नमी रह जाती है ना तो हमारा अचार जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैं 1 मिनट इनको रोस्ट कर लेती हूँ। अब ये देखिए हमारे जो ये मसाले हैं ये थोड़े से रोस्ट हो गए हैं, अब बस अभी मैं ठंडा करके दरदरा पीस लेती हूँ। अभी हमारा मसाला पिस गया है, ये देखिए इस तरह का दरदरा, मैं दिखाती हूँ, इसमें ये इस तरह से दरदरा पीसना है, इससे ज़्यादा बारीक की ज़रूरत नहीं है। अब इसी बाउल में हम बाकी सब मसाले डाल लेते हैं, ये सौंफ, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, अमचूर, लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर और हींग। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग सरसों का तेल, ये मैंने उबाल के ठंडा कर लिया था। अब इसको भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने इस तरह से इसका पूरा मसाला तैयार कर लिया है, और इसमें टोटल मैंने 2 से 3 चम्मच ही ऑयल डाला है, और अब इसमें हम और ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी अचार में। अब हमारा मसाला तैयार है, अब हम मिर्ची तैयार कर लेते हैं। अब मैं एक मिर्ची लूँगी इस तरह से, और ये जो ऊपर का डंठल है ना इसका, इसे हटा देंगे हम इस तरह से, और इसमें ना ये ऐसे चीरा लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से पूरी हमारी जो मिर्ची है उसको चीरा लगा लेते हैं सब। अब ये देखिए सब मिर्ची इसी तरह से कट लग गया है, अब हम इसमें मसाला फिल कर लेते हैं। अब हम एक एक मिर्ची लेंगे और उसके अंदर इस तरह से ना हाथ से इसमें मसाला फिल करेंगे अच्छे से। ये देखिए अच्छे से मसाला पूरा फिल हो गया इसके अंदर, और इस तरह से बंद कर देते हैं, और इसी तरह से सब मिर्ची मैं भर लेती हूँ। अब हमारा झटपट बनने वाला मिर्च का अचार बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की एक चटपटी मसालेदार रेसिपी के साथ।